हूं सुनील तनेजा। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच। बोनस मारेगा भाई, पहली रेड में सुन लिया है। ओह यहां तो थाई होल्ड कर लिया है रिंकू, कमाल का खिलाड़ी। वन पॉइंट यू मुंबई। ये डैश भी सही है, मोहित ने कमाल कर दिया। अभिषेक आउट। वन पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। तो जब आपके तीनों रेडर अच्छा चल रहे हैं, और फजल का पहला पॉइंट इस मैच में, सुल्तान छा गए। सुरेंद्र नारा के एंकल होल्ड के लिए जाएंगे, अब जाएंगे क्योंकि पीठ दिखा दी अभिषेक ने, और अभिषेक बाहर जाएंगे। चाहे युद्ध का मैदान हो या कबड्डी का मैट हो, पीठ दिखाना गलत बात है। बहुत ही संयम के साथ जो टैकल किया, बहुत ही कॉम्बिनेशन टैकल है, गजब है। इतना पेशेंस अगर आप एंड तक रखेंगे तो मैच जीतना बहुत ही आसान होगा हरियाणा स्टीलर के लिए। ओ डबल थाई होल्ड, क्या कमाल का है जयदीप के द्वारा। पहली कामयाबी आज जयदीप के लिए इस मैच में। फजल और विकास कंडोला की इस जंग में पहले हाफ के बाद बड़ी छोटी दो पॉइंट की लीड है हरियाणा स्टीलर्स के पास। सुरेंद्र नारा बैक होल्ड, सुरेंद्र नारा टैकल करा रहा। वन पॉइंट हरियाणा स्टीलर्स। विकास कंडोला को जल्दी फजल को बाहर बुलाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। स्पीड है, स्किल भी है, लेकिन क्या प्रेशर झेल पाएंगे। फजल आए और विकास कंडोला ढेर। फजल की तीसरी कामयाबी। ये दौड़ लगा दी विनय ने, सरप्राइज एलिमेंट है, और पहली कोशिश में ही राइट कॉर्नर पे अटैक किया था। कोच साहब की बात सुन ली क्योंकि मिला राइट इन से पॉइंट मिला। विकास कंडोला सुपर टैकल ऑन सिचुएशन में पॉइंट ले गए। लीड फिर से कम हुई यू मुंबई की। सामने है फजल, फजल बनाम विकास कंडोला की जंग में। फाइनली विकास कंडोला कामयाब। स्कोर बराबर और एक कम से कम एक रेड बाकी है। यही कह रहा हूँ सुनील, फजल ने चार पहले टैकल तो सक्सेस किया, मगर लास्ट लास्ट में जो गलती है बहुत ही भारी मिस्टेक है जो यू मुंबई के लिए। हैट्स ऑफ टू विकास कंडोला। एक और टाई, मैच ओवर। यू मुंबई का इस सीजन में तीसरा टाई मुकाबला।